स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 29/1/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो। शांति स्थापना के लिए हम निमित्त हैं, इसलिए बहुत बहुत पीस में, शांति में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के क्या हैं, एडॉप्टेड बच्चे, और आपस में संबंध क्या, तो बाबा कहते हैं आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न है आज का, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, पूरा समर्पित किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी। सभी ध्यान रखें और नोट करें। उत्तर है, पूरे सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। दूसरा, बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो, भले कोई नौकरी आदि करते हैं लेकिन बुद्धि से समझते हैं कि ये सब किसके लिए करते हैं, बाबा के लिए करते हैं, ना कि अपने लिए। बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती। देखो आज मीठे मीठे बाबा बाप बनकर बच्चों को घर के व्यवहार को, अर्थात बाबा के घर का व्यवहार कैसे बच्चे चलाते हैं मिलकर के, वो गंभीरता और वह व्यवहार की बातें सुना रहे हैं। उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण हुए तो बुद्धि उनकी अर्पण हुई, तो वो बुद्धि अर्पण हुई तो उन्होंने जो भी सर्विस की, जो भी उन्होंने धंधा किया, वो क्या किया, बाबा के लिए किया। और अभी भी ऐसे समर्पित बच्चे बाबा के लिए कर रहे हैं। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए यानी तेज बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। नंबर दो है, पारलौकिक मात पिता के बच्चे बने हैं हम, हम पारलौकिक मात पिता के बच्चे, इसलिए बहुत बहुत बाबा कहते हैं मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रहकर पीस स्थापन करनी है। वरदान है आज का, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य को एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग के समय एनर्जी से सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है सेटिंग के कारण। दिनचर्या यदि सेट है तो बाबा कहते हैं एक व्यक्ति 10 कार्य और 10 का कार्य कर सकता है। समय बचता है, एनर्जी बचती है, तो आप विश्व कल्याणकारी
जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। देखो तो सही, बाबा हमें कितना कितनी मदद करने के लिए हम बच्चों को कहते हैं कि हजार भुजा वाला बाप आपके साथ है। तो एक कार्य के बजाय हजार कार्य तुम एक्यूरेट कर सकते हो। स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूरत बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।